What's up guys, मैं हूं समीर खान और आप देख रहे हो बीस्ट फिटनेस। अगर आपने मेरा चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको दिख रहा होगा रेड कलर का बटन, वहां पे क्लिक करो, सब्सक्राइब हो जाएगा, बेल आइकन को दबा देना जिससे आप लोग नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपके फोन पे। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें समीर खान फिटनेस 076 का नाम से अकाउंट है, वहां पे मुझे फॉलो करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, खोलो डायरेक्ट अकाउंट पे पहुंचोगे, फॉलो करो और आपको जो भी क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझसे तो फॉलो करके क्वेश्चन पूछें और सब्सक्राइब करें। तो गाइस आज की वीडियो में आपका वेलकम। गाइस जैसा कि आपको पता है जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, अभी बनाई थी, कल बनाई थी, एक दिन पहले, तो उसमें मैंने बताया था टॉप 3 टिप्स फॉर फैट लॉस, यानी आप टॉप 3 टिप्स मैंने बताई थी जिससे आप अपने वजन को घटा सकते हो। तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है इस वीडियो के, उसको जाके चेक कर सकते हो। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूं कि टॉप 3 टिप्स आपके वेट गेन के लिए और साइज गेन के लिए, मतलब टॉप 3 टिप्स होंगी हमारी वेट और साइज गेन के लिए। चलो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हमारी जो पहली टिप्स आती है, पहली जो टिप्स होगी वो होगी डाइट। जैसा कि गाइस उसमें भी यही था, इसमें भी यही है, तो डाइट गाइस वेरिएशन अलग हो जाता है। गाइस वही हम बात करें अगर फैट लॉस की तो हमारी डाइट अलग होगी, वही हम बात करें अपने मसल गेन की, साइज गेन की, वेट गेन की, तो वहां पे डाइट बिल्कुल अलग हो जाएगी। गाइस जो हम अब अपने लेते हैं मैक्रोस को, जैसे गाइस हमारे जो मैक्रोस हैं बॉडी में प्रोटीन कार्ब्स फैट, तो गाइस वो अलग हैं फैट लॉस के लिए, मतलब वो अलग चले, मतलब उनकी जो डाइट रहेगी वो अलग रहेगी उनमें। वहीं का बात करें गाइस हम अपने वेट गेन या साइज गेन की, तो मैक्रोस हमारे प्रोटीन कार्ब्स फैट वो अलग की उनकी क्वांटिटी अलग होगी और उनसे हमारी कैलोरीज बनेंगी। तो चलो गाइस बात करते हैं डाइट की। तो गाइस मसल गेन, साइज गेन या वेट गेन जो भी बोल लो, इसमें आपको डाइट कैसी रखनी है अपनी, गाइस आपको प्रोटीन, कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, हेल्दी फैट, इन तीन का रेशो आपको बराबर और ज्यादा लेके चलना पड़ेगा, तब आप अपना साइज को गेन कर पाओगे और वेट को गेन कर पाओगे। कहने का मतलब है प्रोटीन आप लोगे, ठीक है गाइस, और आपको प्रोटीन, क्योंकि वेट गेन करने के लिए गाइस या साइज गेन करने के लिए आपको पता है कि हमें कैलोरी सरप्लस पे जाना पड़ता है, मतलब जो कैलोरीज हमारी फूड से हम लेते हैं वो हमें ज्यादा रहना पड़ेगी। सपोज करो अगर आप 2 से 2500 कैलोरीज ले रहे हो तो आपको 3 करना पड़ेंगे, आप 3 ले रहे हो 3.5 करना पड़ेगी, तभी आपका साइज गेन होगा, नहीं तो आपका साइज गेन नहीं होगा। तो गाइस तो चलो स्टार्ट करते हैं कार्ब्स प्रोटीन। देखो गाइस प्रोटीन आपको कितना लेना है अपने वेट के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई 2 कर लें। अगर आपका राउंड डेट आपका 60 kg वजन है तो आपको 120 ग्राम प्रोटीन चाहिए पर डे। अगर आपका 70 kg है यानी 70 किलो के हो आप, तो आपको 140 ग्राम चाहिए, मतलब आपको मल्टीप्लाई 2 से करना है। आपका जितना वेट हो आप करके देख लो, जितना निकले उससे आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा ही लेना है, कम नहीं लेना है, तब आपकी मसल गेन हो पाएगी अच्छे से। तो प्रोटीन हो गया। गाइस बात करें कार्ब्स की, कार्ब्स क्या होता है गाइस, वेट और साइज बढ़ाने के लिए हमें कार्ब्स, कैलोरी, कार्ब्स और फैट ज़्यादा लेना पड़ेंगे। अगर आप कार्ब्स और फैट को कम लोगे थोड़ा बहुत गाइस प्रोटीन कम चल जाएगा, बट कार्ब्स और फैट हेल्दी फैट कम नहीं चलेंगे साइज गेन और वेट गेन बढ़ाने के लिए। तो यही थी गाइस मेरी टिप, इससे आपकी कैलोरीज निकलेगी। आपको कैलोरीज ज़्यादा लेना है, कम से कम एक दिन की आपको 3 से 3500 की कैलोरीज लें, 3000 के समथिंग, तभी आप अपना साइज गेन कर पाओगे। और बराबर से गाइस लेके चलना है आपको, प्रोटीन कार्ब फैट बिल्कुल बराबर रहें और ज़्यादा रहें, ऊपर नीचे कुछ भी अगर आपका होता है तो आपका साइज गेन नहीं होगा। अगर आप साइज गेन कर रहे हो और आपका अगर नहीं हो रहा है वेट गेन, तो आप थोड़ा सा अपने मैक्रोस पे ध्यान दें कि हो सकता है कि आपके मैक्रोस डिसबैलेंस हो गए हैं। मैक्रोस प्रोटीन कार्ब्स फैट को बोलते हैं। तो गाइस थोड़ा सा ध्यान दें अपनी डाइट पे, हाई प्रोटीन, हाई कार्ब्स, हाई फैट वाली अच्छी डाइट लें जिससे, और गाइस जंक फूडों से बचें, क्योंकि जंक फूड हमारी बॉडी का जो प्रोटीन है उसको मार देता है, आपका प्रोटीन गायब कर देता है, ठीक है गाइस। तो ध्यान रखें बेकार की चीज़ों से बचें। प्रोटीन में आप एग वाइट ले सकते हो गाइस, पनीर ले सकते हो, आप ओट्स ले सकते हो गाइस। वहीं हम बात करें कार्ब्स की, प्रोटीन में गाइस आप प्रोटीन पाउडर ले सकते हो। वहीं गाइस करें अगर हम बात करें का नाम इसकी कार्ब्स की, तो गाइस कार्ब्स में आप रोटी ले सकते हो यानी चपाती, आप राइस ले सकते हो, आप ब्राउन राइस ले सकते हो गाइस, आप बॉइल पोटैटो ले सकते हो गाइस, आप पोटैटो ले सकते हो, आप ब्राउन ब्रेड ले सकते हो गाइस। आप फैट की बात अगर हम करें तो गाइस फैटी एसिड ओमेगा 3 फिश ऑयल ले सकते हो जो कि एक सप्लीमेंट है। और गाइस अगर हम बात करें पीनट बटर आप ले सकते हो गाइस, आप नट्स ले सकते हो, आप बादाम ले सकते हो, जितने भी नट्स होते हैं ये फैट के में आते हैं। तो आप अपने हिसाब से डाइट को बैलेंस कर लें। अगर आपको वेट गेन की पूरी डाइट चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर बताएं, तो मैं उसके लिए एक प्रॉपरली फुल वीडियो बना दूंगा। तो गाइस ये थी पहली टिप डाइट, आपको प्रोटीन कार्ब्स फैट को बराबर और ज़्यादा लेके चलना पड़ेगा, तब गाइस आप अपनी मसल को साइज को गेन कर पाओगे। डाइट को सुधारें और जितना मैंने बताया उन चीजों को ऐड करें। तो गाइस अब बात करते हैं अपने टिप नंबर 2 की, टिप्स नंबर 2 जो कि होगी हमारी वर्कआउट। तो गाइस इसमें दो कैटेगरीज को मैं डिवाइड करूंगा, एक हमारा होगा वर्कआउट, दूसरा होगा हमारा कार्डियो और तीसरा होगा हमारा सुबह में जिम जाएंगे शाम में। तो तीन कैटेगरीज को गाइस इसमें मैं डिवाइड करूंगा। तो चलो गाइस पहला होता है हमारा सेट एंड रैप्स। तो गाइस सेट और रैप्स की हम बात करें
तो मसल गेन के लिए गैस हम वर्कआउट जब करते हैं तो हमारी मसल ब्रेक होती है। मसल का जब हमारी ब्रेक होती है तो क्या होता है कि हमारा जो काप्स है बॉडी से वो निकल जाता है। तो गैस हमें ऐसा कुछ करना है कि हमारी मसल्स भी ब्रेक होए, क्योंकि अगर जब तक हम अपनी मसल्स को ब्रेक नहीं करेंगे तब तक हम अपने साइज को कभी गेन नहीं कर पाएंगे। तो मसल ब्रेक भी करना है, कैलोरीज ज़्यादा बर्न हो वो भी बचाना है, और अपनी बॉडी को ब्रेक होने से बचाना है। तो गैस क्या करना है आपको, आपकी जो एक्सरसाइज रहेंगी गाइस वो 4 से 5 से ज़्यादा नहीं रहेंगी। अगर आप चेस्ट शोल्डर कर रहे हो तो 4-5 एक्सरसाइज से ज़्यादा ना करें साइज गेन वेट गेन वाले। और जो आपके गाइस रैप्स रहेंगे वो कम रहेंगे, और जो आपके सेट्स रहेंगे वो 4 रहेंगे। कहने का मतलब गाइस 4 सेट आपको लगाना है, कोई भी चीज़ आप चेस्ट बैक कुछ भी कर रहे हो आप, वो नहीं बता रहा हूँ मैं, 3 से 4 सेट आप लगाएं। गाइस रेपिटेशन आपकी 10 से 12 से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, 10-12 की लिमिटिंग में एक रेपिटेशन आपकी रहे। और गाइस आपका जो वेट रहेगा वो हैवी रहेगा, कहने का मतलब गाइस वेट आपको हल्का नहीं लगाना है, वेट आप जितना हो सके उतना हैवी लगाएं। क्योंकि गाइस आप रैप्स कम निकालें, 6-8 रैप निकलें कोई दिक्कत नहीं गाइस, 6 से 8 रैप निकालें, इससे ज़्यादा ना जाए 10 बस गाइस, मैं 12 भी ज़्यादा बोल गया, 10 से ज़्यादा रैप्स ना निकालें, 6 से 10 के बीच में रैप्स रखें। वेट हैवी लगाएं गाइस ताकि आपकी मसल्स कम टाइम में जल्दी ब्रेक हो जाए। अगर आप 15-20 रैप लगाओगे तो उतनी आपकी कैलोरी बाहर आएगी, तब आपकी मसल्स ब्रेक होगी। और वहीं आप अगर ज़्यादा वेट लगाओगे गैस गाइज, आप 10 kg का एक डंबल लियो तो आप 15 बार लगा रहे हो आपसे बन रहा है, तो वहीं आप गैस 15 kg का डंबल लीजिए तो आप सिर्फ 8 बार लगाइए, तो वही चीज़ आपकी जल्दी टाइम में ब्रेक हो जाएगी मसल, तो आपकी कैलोरी बर्न होने से बच जाएगी। क्योंकि आपको कैलोरीज ज़्यादा लेना है, और कैलोरीज अगर आपकी बर्न होगी ज़्यादा तो आपको दोबारा से कंज्यूमिंग करने में टाइम लग सकता है। तो गैस ध्यान रखना है आपको, आपके रैप्स कम रहेंगे, वेट आपका हैवी रहेगा, कोई भी एक्सरसाइज हो कोई भी सेट हो वेट हैवी रहेगा, 3 से 4 सेट रहेंगे गाइस, ठीक है, और वेट आपका रहेगा। और 10 से ज़्यादा रैप्स, 6 के ऊपर 10 के अंदर ही आपके रैप्स रहने चाहिए, और आप जितना हो सके उतना हैवी वेट लगाएं। तो बस अब बात करते हैं कार्डियो की, जो अक्सर लोग गाइस गलती कर जाते हैं, आपको कार्डियो नहीं करना है, वेट और वेट गेन साइज गेन में आपको कार्डियो नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है कि क्योंकि गाइस फैट लॉस वालों के लिए होता है कार्डियो, कार्डियो आप ना करें। अगर आपको साइज गेन करना है तो कार्डियो को अवॉइड करें, और गाइस कार्डियो को बिल्कुल ना करें, साइज गेन और वेट गेन वाले सिर्फ अपनी एक्सरसाइज पर फोकस करें, और एक्सरसाइज को अच्छे से परफॉर्म करें, हैवी लिफ्ट करें, रेपिटेशन कम रखें, और आपने जितना हो सके आपको सपोर्ट दे सके, आपको कोई पार्टनर हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हैवी वेट लगाएं ताकि आप सपोर्ट से ज़्यादा वेट निकाल लें, ठीक है। गाइस कार्डियो आपको नहीं करना है, जो भी बोलता है कार्डियो करो वो गलत बोलता है, साइज गेन वेट करने वेट गेन वाले में, तो साइज गेन वेट गेन वाले कार्डियो ना करें। बस अब बात करेंगे सुबह में जिम जाएं या शाम को जिम जाएं, तो गाइस वहीं अगर बात आती है फैट लॉस की तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, देख लो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, तो वहाँ सुबह जिम जाना अच्छा रहता है फैट लॉस वालों को। और गाइस यहाँ अगर आपको अपना वेट और साइज बढ़ाना है तो आप शाम में जिम जाएं, इसलिए क्योंकि गाइस जब आप सोते हो सुबह उठते हो तो आपकी बॉडी में मैक्रोस नहीं रहते, मैक्रोस न्यूट्रन आपकी बॉडी में नहीं रहते, आप वर्कआउट करते हो तो जितनी कैलोरीज गाइस आपके पास नहीं उतनी आप बर्न कर देते हो। वहीं बात करें गाइस अगर हम इवनिंग शाम की, तो आप दिन भर सुबह से लेकर शाम दोपहर तक पूरा खाई पी रहते हो, तो गाइस क्या होता है कि आप अपनी मसल अच्छे से आप मैक्रोस माइक्रोस सब लेके जाते हो, तो आप अगर अपना कैलोरीज बर्न भी होती है तो आपकी उतनी बर्न नहीं होती है, आपकी मसल्स बच जाती है। तो गाइस शाम को ज़्यादा मैं बेटर मानता हूँ, सुबह भी आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह आप जाएँ कोई दिक्कत नहीं है, बट बेटर शाम को रहेगा ये मैं कहना चाह रहा हूँ। मसल गेन साइज गेन वाले शाम को जिम जाएं, उनका ज़्यादा अच्छा है, ठीक है गाइस, शाम को जिम को परफॉर्म करें और अच्छे से अपना न्यूट्रिएंट लेके मैक्रोस माइक्रोस दोनों को लेके अच्छे से जाएं। तो बस ये थी मेरी सेकंड टिप, मैंने आपको रैप सेट बताया, लिफ्टिंग बताई, कार्डियो नहीं करना है और शाम को जिम जाना ज़्यादा बेटर है। बस अब बात करेंगे अपनी लास्ट और थर्ड टिप की, जो हमारी तीसरी टिप है गाइस, वो है सप्लीमेंट। तो गाइस जहां हम बात करते हैं जिम की, जहां हम बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग की, जहां हम बात करते हैं एक फिटनेस गोल की, और जहां हम बात करते हैं एक अच्छी फिजिक बनाने की, तो वहां सबके माइंड में क्वेश्चन आता है, वो है सप्लीमेंट्स। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया, हर इंडिविजुअल का अलग सब गोल होता है, और अलग उस गोल के हिसाब से उसकी डाइट होती है, और उस डाइट के हिसाब से उसके सप्लीमेंट्स होते हैं। तो गाइस मसल गेन साइज गेन वाले को जो सप्लीमेंट, उनके प्रोटीन लगेगा गेनर लगेगा। तो गाइस देखो, प्रोटीन गेनर अगर आपको साइज बढ़ाना है तो दोनों ही अच्छे हैं, कहने का मतलब है साइज बढ़ाने के लिए, लेकिन एक डिफरेंट है दोनों में। अगर गाइस आप प्रोटीन ले रहे हो, प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ आपको प्रोटीन प्रोवाइड करेगा बॉडी में, तो बाकी कार्ब्स और फैट आपको डाइट से लेना पड़ेगा। और वहीं बात करें अगर हम माइस गेनर की गाइस, तो वो आपको कार्ब्स फैट और प्रोटीन कम देता है, वो कार्ब्स फैट भी दे देता है, तो वहां से आपको डाइट से कम कंज्यूमिंग करना पड़ेगा। तो गाइस सीधी बात निकल के आती है, अगर आप अच्छे से खा लेते हो, अच्छे से आप डाइट ले लेते हो, आप ज़्यादा खा लेते हो अडे पे पूरे दिन पे, तो आप प्रोटीन पाउडर को ऐड करें, क्योंकि आप प्रोटीन उससे ले लोगे, खाओगे आप ज़्यादा तो कार्ब्स और फैट आपको उससे मिल जाएगा। और गाइस अगर आप नहीं खा पाते हो, आपसे नहीं खेलता है,
आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप जितना खा लो कम खिलता है आपसे, तो आप गेनर को ऐड करें, क्योंकि गेन अगर आप जब खा ही नहीं पाओगे तो कार्ब फैट कहाँ से ले लोगे, तो ज्यादा कैलोरीज आप कहाँ से ले लोगे, तो आप थोड़ा बहुत खा लोगे, बाकी आप मास गेनर से ले लोगे कार्ब्स और फैट और कैलोरी, तो आपका क्या होगा कैलोरीज ज्यादा हो जाएगी तो आपका वेट बढ़ने लगेगा। तो आज समझ गए आप, अगर आप डाइट ले लेते हो तो प्रोटीन को ऐड करें, अगर आप डाइट नहीं ले पाते हो, आप बहुत ज्यादा हद से ज्यादा पतले हो, तो आप मास गेनर को ऐड करो, दोनों ही आपके लिए वेट गेन वालों के लिए बेस्ट है और आप दोनों में से ऐड कर सकते हो। वैसे गाइस प्रोटीन पाउडर ज्यादा अच्छा होता है, प्रोटीन पाउडर को ऐड करें, आप डाइट ले सकते हो अच्छे से, क्योंकि जो कार्ब्स में है वो हमारे घर पे भी है। कार्ब्स में क्या है गाइस, शक्कर है, आलू है, आपका शुगर भरी पड़ी है, कार्ब्स भरा पड़ा है, ये सब उसमें भरा पड़ा है, चावल रोटी। वहीं गाइस अगर आप चावल रोटी थोड़ी सी शुगर खा लोगे और प्रोटीन ले लोगे तो आपका गेनर बन गया। तो गाइस प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट को खरीद लें, ज्यादा बेटर होगा, और डाइट से आप अपनी रोटी चावल ओट्स बनाना, आपका पनीर है, आपका ब्रेड है, आपका पीनट बटर है, ये सब आप ले सकते हो। गाइस फिश ऑयल को जरूर ऐड करें क्योंकि उसमें फैटी एसिड होते हैं, एक सप्लीमेंट फिश ऑयल को आप ऐड कर सकते हो हेल्दी हार्ट के लिए, हमारे अंदर के जो लीवर्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाने के लिए हेल्दी हार्ट आपको चाहिए, आपका दिल मजबूत चाहिए, तो आप फैटी एसिड वाली एक सप्लीमेंट ओमेगा 3 फिश ऑयल को ऐड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है टॉप 3 मल्टी फिश ऑयल सप्लीमेंट का, तो आप जाके खरीद सकते हो, और प्रोटीन पाउडर का भी लिंक है और मास गेनर का भी लिंक है। गाइस तीनों चीज़ों की मैंने नीचे लिंक दी हुई है, आपको जो खरीदना है आप खरीद सकते हो। और गाइस ध्यान रखें, ये थी मेरी आज की 3 टिप्स फॉर वेट गेन, पहली थी हमारी डाइट, दूसरी थी वर्कआउट, तीसरी थी सप्लीमेंट। ठीक है गाइस, सप्लीमेंट आपको ध्यान रखना है, गेनर भी ऐड कर सकते हो, प्रोटीन भी ऐड कर सकते हो, बस प्रोटीन ज़्यादा बेस्ट रहेगा गाइस मेरे ओपिनियन से, तो प्रोटीन ऐड करें। नहीं खेलता है आपसे बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा पतले हो तो फिर आप गेनर ऐड कर सकते हो। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो, अच्छी लगी तो दबा के लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको दिख रहा होगा लाल कलर का बटन, बेल आइकन को दबा देना जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, ये आपको अकाउंट दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, मुझे फॉलो करें, इस अकाउंट पे पहुंचोगे और फॉलो करके मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो इस वीडियो में, जो भी बताना भूल गया हूं, तो फॉलो करें और क्वेश्चन पूछें। तो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर ऑल योर लव, बीस्ट फिटनेस के नाम से चैनल है, फटाफट सब्सक्राइब करो, रोज आपको पर डे वीडियो मिलती है फिटनेस से रिलेटेड, और एक रियल जो नॉलेज होती है वही आपको मिलती है, और मैं सही आपको बताता हूं, फालतू की उल्टी सीधी बातें नहीं करता हूं। तो मिलते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।